जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं सन्निकट मान यानी अप्रोक्सीमेशन के बारे में। सन्निकट मान क्या है, जैसे देखिएगा यहां लिखे हम 36, तो 36 का तो आपको मालूम है कि इसका वर्गमूल जो है 6 के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन यदि यहां 36 के जगह पर हम ये लिख दे 36.5, इसका मान कितना के बराबर होगा? 36.5 इसका मान कितना के बराबर होगा? तो इसका मान आप एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, यानी निकटतम मान इसका निकाल सकते हैं आप। तो वो निकटतम मान कैसे निकालेंगे, आज इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं एकदम आसानी से, ठीक है। निकाल के दिखाएं, देखिए तो इसका जो सबसे निकटतम मान होगा वो आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए करना क्या है, देखिए ये पूरा कंसेप्ट आपको इसके बाद बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं। यहां लिखेंगे 6 प्लस 0.5 by 12, ठीक है, 0.5 by 12, और ये आपका निकल गया इसका सन्निकट मान, यानी इसका भाग देंगे और भाग देकर जो भी संख्या आएगा उसको यदि 6 में हम ऐड करते हैं तो इसका सन्निकट मान निकल जाता है, ठीक है। दोस्तों ये बनता कैसे है अभी हम पूरा बात करने वाले हैं, चलिए इसको क्लियर ही कर देते हैं। 6 प्लस ये हो जाएगा आपका, देखिए यहां लिखा हुआ है 0.5 by 12, जब इसको आप भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.5 है, यहां से पॉइंट हटेगा तो बटा में आप लिख सकते हैं 10, ठीक है, यानी हो गया आपका 5 by 120, भाग दे लीजिए आसानी से, ठीक है। कितना हो जाएगा देखिए, तो 5 0 यहां लिखेंगे, सॉरी सबसे पहले पॉइंट उसके बाद 0, पॉइंट के कारण 10 और फिर 0 के कारण 10, तो कितना हो जाएगा, 4 बार जब भाग लगाएंगे तो 480, यहां पर आपका हो गया 20, पॉइंट के कारण 10 आएगा, ठीक है। एक बार भाग लगाएगा तो कितना हो जाएगा 120, शेष बच गया आपका 80, ठीक है। तो यहां पर दशमलव के 3 अंक तक ही आपको देखना है, उसके बाद नहीं देखना है, तो 1, 2, 3 अंक तो हो गया, अब यहां पर आप ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 6 प्लस 0.041, और यहां हो जाएगा आपका 6.0.041, ठीक है। तो ये हो गया आपका 36.5 का सन्निकट मान, ठीक है, ये हो गया 36.5 का सन्निकट मान। लेकिन अब ये निकलेगा कैसे, इसका प्रोसेस क्या है, हम आपको बताने वाले हैं, और बिल्कुल आसानी से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 सेकंड में बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये भाग करना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त आप इसी में लीजिएगा। यदि आप इसको प्रोसेस से बनाते हैं तो इस सवाल को बनाने में लगभग 4 से 5 मिनट का वक्त लगेंगे आपको। डिफ्रेंसिएशन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और उतना काम कीजिए, और ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है तो फिर आपको 1 से 2 सेकंड या 5 सेकंड का वक्त लगना चाहिए, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ, सबसे पहले तो आपका सवाल जो है वर्गमूल वाला ही होना चाहिए, ठीक है, वर्गमूल वाला सवाल के लिए ये कॉन्सेप्ट है। इसके आगे के सवाल के लिए आगे कॉन्सेप्ट बात करेंगे अभी, लेकिन यदि सवाल वर्गमूल वाला होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। देखिए एक सवाल को पकड़ते हैं और उसका आंसर करते हैं, जैसे मान लीजिए इसी सवाल पर आधारित एक और सवाल लेते हैं, मान लिया जाए यहां लिखे 36.6, ठीक है, 36.6, तो इसमें आपको यह चीज देखना है, ध्यान दीजिएगा कि यहां जो संख्या लिखी गई है, ठीक है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको दिख रहा है कि इस भाग का पूरा पूरा वर्गमूल हो रहा है, यदि नहीं होता है तो आपको इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है या थोड़ा सा पीछे रहना है, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है या थोड़ा सा पीछे हटना है। लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है, इसमें यहां दिख रहा होगा आपको कि 36 का वर्गमूल होता है, तो सिंपल आप कर लीजिए, 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6, 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 प्लस, 36 का वर्गमूल हो गया 6, उसके बाद लिखना है आपको प्लस, शेष कितना बच गया इधर देखिए, तो 0.6, तो जो बच गया उसको ऊपर में लिखिए, 0.6 जो बच गया उसको ऊपर में लिखिए, और नीचे क्या करना है ध्यान दीजिएगा, 2 गुने, हमेशा हमेशा 2 गुने जो यहां पर संख्या है यानी जो वर्गमूल है उसका यहां पर लिख दीजिए, ठीक है। कितना हो गया, 6 प्लस देखिए तो 0.6 by 12, ठीक है, यहां से पॉइंट हटेगा, यहां 10 लग जाएगा,
ठीक ना, पॉइंट हटेगा 10 लग जाएगा, देखिएगा 6 × 12 कट गया, 6 × 12 कट गया तो कितना हो गया 6 + 1/2 / 10, 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 6 + 0.5। अब देखिए बटा में एगो और 10 है, तो बटा से एगो जीरो हटेगा दाहिना से एक अंक के बाद और दशमलव सटेगा, तो क्या हो जाएगा 0.05, और इसको जोड़ लीजिए तो क्या हो गया आपका 6 + 0.0, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6.05, ये हो गया इसका निकटतम मान। यानी 36.6 का जो वैल्यू होगा, जो वर्गमूल होगा, कितना के बराबर होगा, तो वह जो होगा बिल्कुल 6.05 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा 6.05 के बराबर। ठीक है दोस्तों, आसानी से समझ में आ गया होगा आपको, एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो संख्या यहां पर दिया हुआ रहेगा पूरे संख्या को देखना है, रूट के अंदर है तो वर्गमूल सोचना है, रूट के अंदर है तो क्या सोचना है वर्गमूल। तो सोच के देखिए, तो रूट के अंदर में है आपका 36.6, तो इसमें हमको लग रहा है कि 36 का वर्गमूल होगा, होगा ही होगा 36 का वर्गमूल होगा, तो यदि होगा तो 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 लिख दिए। अब पॉइंट के बाद बच गया इधर कितना, तो 0.6 लिख दिए। ठीक है, बटा में क्या लिखना है, हमेशा 2 × जो वर्गमूल होगा यहां पर लिखना है, वर्गमूल को गुना करके यहां पर लिखना है, देख लीजिए 6, तो 6 × 12। इसके बाद यहां पर भाग की क्रिया की गई है, और भाग की क्रिया करके इसको क्या किया गया है, जोड़ लिया गया है। ठीक है, तो ये इसका हो गया सन्निकट मान। अगला देखिएगा, एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है रूट अंडर 25.3, और इसका निकालना है आपको क्या, वर्गमूल कहिए या इसका सन्निकट मान कहिए या निकटतम मान कहिए, जो भी कहिए ये आपको निकालना है। ठीक है, और बस 1 से 2 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में। देख लीजिए, रूट के अंदर में लिखल है 25.3। ठीक है, तो आप पहले चेक करके देखिए किसका वर्गमूल हो रहा है, हाँ 25 का वर्गमूल हो रहा है, तो 25 का वर्गमूल कितना 5 प्लस बच गया कितना 0.3 ना बच गया 0.3, बटा में क्या लिखना है 2 × जो संख्या है उसको यहाँ 5 लिखेंगे तो कितना हो गया आपका 0.3/5×10। नीचे से एगो जीरो हटेगा दाहिना से एक अंक के बाद दशमलव सटेगा, तो कितना हो जाएगा 5 + 0.03। अब इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 5.03 राइट आंसर, 5.03 राइट आंसर। ठीक है, 5.03 इसका राइट आंसर होगा, ये सन्निकट मान है। जैसे मान लीजिए इसका यदि आप मान निकालते हैं तो 5.02929 करके आता है। ठीक है, 2929, तो जब तीसरा अंक जो है, तीसरा अंक दशमलव में 5 से ज्यादा होता है तो क्या करते हैं, सॉरी 4 से ज्यादा होता है तो क्या करते हैं, बगल वाले में 1 बढ़ा लेते हैं, तो जैसे ही आप बढ़ाइएगा तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो 5.030, 0 के बाद तो कोई वैल्यू नहीं इसका, इसलिए हो जाएगा 5.03, ये इसका सन्निकट मान होगा यानी निकटतम मान होगा। ठीक है साथियों, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा ठीक से। चलिए एक और सवाल, इसके बाद कुछ सवाल हम आप लोग को देंगे बनाने के लिए, जो आप लोग बनाइएगा। ठीक ना, एक और सवाल, जैसे मान लीजिए सवाल आपका है, देखिए यहां पर 49.5, ठीक है 49.5, इसका निकालना है आपको सन्निकट मान या वर्गमूल निकालने के लिए या फिर इसका मान निकालने के लिए कहिए। सबसे पहले देखना है जो संख्या रूट के अंदर लिखी गई है इसका वर्गमूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 49। 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 प्लस बच गया कितना 0.5, बटा में क्या आएगा तो गौर कीजिएगा 2 × 7, ये हो गया आपका 7 प्लस, ध्यान से देखिएगा इधर, ये हो गया 5 × 7 = 14, यहां से एगो जीरो हटेगा, सॉरी एक अंक के बाद दशमलव हटेगा तो बट्टा में एगो जीरो लगेगा नहीं, आसान क्रिया है देख लीजिए। अब आप केवल 5 में 14 से भाग दीजिए, देख लीजिए यहां पर 5 में 14 से भाग दीजिए, दशमलव देंगे 1 जीरो आएगा, ये हो जाएगा आपका 14 + 42,
14 या 42 8, ठीक है, दशमलव के कारण एगो जीरो आएगा। 14 या उसके बाद हो जाएगा 14 पच्चीस सत्तर, ठीक है, 10, दशमलव के कारण एगो जीरो आएगा, ठीक है, 14 सते अंठानवे, यानी ये हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, 7 प्लस कितना, ये 14 में आए, 5 में आप 14 से भाग दिए हैं तो इतना आया है, अब बट्टा वाला 10 है तो एक अंक दशमलव घसक जाएगा, नहीं तो कितना हो जाएगा, आप देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.035, ठीक है, 0.035, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 7.035, ठीक है, 7.035, समझ में आ रहा है दोस्तों सभी लोगों को। तो अब आसानी से आप सवाल बना सकते हैं, एक और सवाल हम देखते हैं, देखिएगा, मान लिया जाए रूट अंडर 16.4, ठीक है, 16.4 यानी 16.4, अब इसका निकालना है आपको वर्गमूल या इसका मान निकालने के लिए कुछ भी, तो करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए यहां पर जो संख्या दिख रहा है पहले इसका वर्गमूल सोच लीजिए, कितना होगा 4 प्लस कितना बच गया इधर 0.4, बटा में क्या करना है आपको 2 गुने जितना है उसका गुणनफल, 4 है ना, तो 4 गुना 8 हो जाएगा, ये हो गया 4 प्लस, गौर कीजिएगा, 4 बटा में 4 दुना 8 अगुने, यहां से एगो दशमलव हटेगा ना तो यहां 10 लगेगा, 4 दुना 8 हो गया, यानी 4 प्लस 1 बट्टा 2 का मतलब होता है 0.5, अब बट्टा में 10 है तो एक अंक और दशमलव बढ़ जाएगा यानी 0.05, तो कितना हो जाएगा 4.05, ठीक है 4.05, ठीक है 4.05, अक्सर यदि आप इसका मान निकालेंगे तो मान जो आएगा आपका कितना के बराबर आएगा 4.049 ऐसे ही, ठीक है, तो क्या होता है कि तीसरा अंक 49 के बाद भी आता है कुछ, ठीक ना, तो जो तीसरा अंक है वो देखिए कितना से ज्यादा है, वो आपका 5 से ज्यादा है, इसलिए बगल वाला में एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 है, कितना हो जाएगा 50, तो जब ये 50 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 4.050, यहां का जीरो हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.05 के बराबर, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप सन्निकट मान को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, एक दो और सवाल देख लेते हैं, एक दो और सवाल कर लीजिए, इसके बाद जो है आप लोग खुद से बनाएंगे सवाल को, जो सवाल हम कुछ HW के रूप में आपको देंगे, जैसे देखिएगा 64.5, ठीक है 64.5 ना, अब मान निकालना है इसका या इसका सन्निकट मान कहिए, कुछ भी कहिए आप, ठीक है, वही ज्ञात करना है आपको, तो क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि इसका वर्गमूल निकालना तो आसान है आपको, 64 का कितना हो जाएगा 8 प्लस बच गया कितना 0.5, बटा में क्या करना है आपको, हमेशा 2 गुना जो यहां पर आया है संख्या वर्गमूल करके वो लिखेंगे, ठीक है, तो कितना हो गया 8 प्लस 0.5 बटा में 8 दुना 16, देखिएगा यहां से दशमलव हटेगा, ठीक है, यहां से दशमलव हटेगा तो बट्टा में 10 आएगा ना, तो भाग करना है, तो यहां से दशमलव हट गया बट्टा में 10 लग गया तो कितना हो जाएगा इधर, ये भाग देना आपको 5, ठीक है 16, दशमलव देंगे एक जीरो आएगा, 16 + 48 शेष कितना बच गया आपका 2, दशमलव के कारण एक जीरो आएगा, 16 + 16 शेष कितना बच गया 4, ठीक है दशमलव के कारण एक जीरो आएगा, 16 × 32 ठीक है शेष कितना बच गया 8, दशमलव के कारण एक जीरो आएगा, 16 × 25 80 टोटल खत्म, ठीक है, तो ये हो गया आपका, हाँ और बट्टा में 10 है इसलिए एक अंक और दशमलव घसकेगा, तो ये हो गया 8 + 0.03125 और इसमें 8 ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 8.03125, ठीक है 8.03125 कितना आसानी से निकाल लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो भी संख्याएं आपको मिलेगा उसका आप आसानी से जो है सन्निकट मान निकाल सकते हैं, निकटतम मान निकाल सकते हैं, या कहिए कि उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ संख्या यहां पर हम लिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जिसका आपको आंसर बनाना है, और आंसर बना के उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। देखिए
अब कुछ क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 9.3, इसका मान निकालना है आपको, देख लीजिए यहां पर इसका मान निकालना है, ठीक है। सबका सन्निकट मान आपको निकालना है कि इसका निकटतम वैल्यू क्या होगा, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका निकटतम वैल्यू क्या होगा, दिख रहा होगा आपको। और इस पर आपका 2 से 3 वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है बारी बारी से सभी वीडियो को देखिएगा ताकि सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये सिर्फ पहला कॉन्सेप्ट है इसका, और इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो संख्याएं हैं ये वर्गमूल वाली संख्याएं आपको सबसे पहले दिख रही होगी, ठीक है। ये सब वर्गमूल वाली संख्याएं दिख रही होगी। ऐसा कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे जिसमें वर्गमूल वाली संख्या नहीं होगी तो क्या करेंगे, ठीक है। और यहां पर रूट नहीं लगा के पावर में 1/3, 1/7, 1/9 ऐसे करके पावर में आ जाएगा, तब इसका सन्निकट मान कैसे निकालेंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे, ठीक है। अभी आपको इतना काम करना है, चूंकि इसका ये बेसिक चीज है तो इस पर आपको पूरा पहले काम करना है, इसके बाद उस कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।